दोस्तों, ये है जो एप्लीकेशन हमने कल टाइप किया था। इसको प्रिंट कैसे करना, इसको पेज सेटअप करके प्रिंट कैसे करना, आज हम देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप व्यू में जाइए। उसमें रोलर में क्लिक करने से आपको स्केल जैसे एक स्ट्रक्चर आ जाएगा टॉप में और लेफ्ट साइड में। उसमें आपका पेज का विड्थ और लेंथ आपको दिख रहा होगा। इसमें भी ड्रैग करके आप पेज सेटिंग कर सकते हैं, इसका पेज का साइज़ कर सकते हैं, विड्थ और लेंथ को बढ़ा सकते हैं इसमें। जैसे कि ये राइट मार्जिन बढ़ाना, तो इधर ड्रैग कर सकते हैं इसे, ऐसे भी आप सेटिंग कर सकते हैं जो आपको जैसे आप चाहता है। अगर विड्थ सिर्फ बढ़ाना तो नहीं, तो आप सीधा पेज लेआउट में जाइए। उसमें आपको मार्जिन ओरिएंटेशन वगैरह आपको मिल सकता है, जैसे कि ये मार्जिन है और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन का साइज़ दिया हुआ है, इसमें मेजरमेंट भी दिया हुआ है। इसके हिसाब से आप सेट करना चाहते हो तो वो शॉर्टकट कर सकते हैं। इसमें ओरिएंटेशन भी कर सकते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, या फिर आप साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो साइज़ भी इसका बगल में दिया हुआ है। अलग-अलग पेपर्स का साइज़ दिया हुआ है, जैसे कि लेटर, लीगल, एक्सिक्यूटिव, A4, A5, B4, B5, A3 एक्सेट्रा। इसमें से जो भी आप पेपर में प्रिंट करना चाहते हैं उसके हिसाब से इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका ये है कि उसके नीचे पेज सेटअप करके दिया हुआ है, उसके साइड में एक एरो दिया हुआ है, उसमें क्लिक करने से आपको पेज सेटअप करके ऐसे एक विंडो आ जाएगा। इसमें भी आप पेपर साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बोला था कि, और कस्टम साइज़ भी इसमें कर सकते हैं। जैसे इसमें एक ऑप्शन है कस्टम साइज करके, उसमें क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मैं A4 सेलेक्ट कर रहा हूँ। और इसमें अगर पूरा डॉक्यूमेंट के लिए करना है या फिर आप जहाँ पे कर्सर रखा है उसके आगे करना है, इसमें ऑप्शन दो आ रहे हैं, उसमें सेलेक्ट करके आप चॉइस जो भी है सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप मार्जिन इसमें भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है मार्जिन का, इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट वगैरह। देखिए, इसमें मैं 5 सेंटीमीटर के हिसाब से करके देख रहा हूँ, और जैसे मैं उधर 5 सेंटीमीटर टाइप करूँगा उसके हिसाब से नीचे प्रीव्यू में भी चेंज हो जाएगा। देखिए, जैसे मैं 5 टाइप किया, तुरंत नीचे प्रीव्यू में चेंज हो गया। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, ऐसे प्रिंट नहीं चाहिए, तो पूरा पेपर कवर कर रहे हैं, तो इसको कम करना चाहता हूँ। देखते कम कैसे करना है। देखिए, उसमें एक एरो दिया हुआ है, उसमें क्लिक करके भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे उसमें एरो में क्लिक कर रहे हैं तो ये मार्जिन भी कम होता जा रहा है, नीचे प्रीव्यू में भी वो एडजस्ट होता जा रहा है। उसके हिसाब से आपको पेपर सेट होंगे। ये चारों को सेट कर रहा हूँ, ये देखिए नीचे प्रीव्यू चेंज हो रहा है। जैसे प्रीव्यू होगा वैसे आपका पेज सेटअप भी होगा। ये होने के बाद अगर ओरिएंटेशन आप चेंज करना चाहते हैं तो ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। इस तरह से आप अपना पेज सेटअप कर सकते हैं, और कंट्रोल पी क्लिक करने से आपका प्रिंट हो जाएगा जो भी आपका प्रिंटर लगा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।